दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन ऑटो जोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ा है। एक पिकअप ट्रक आज जो है कमर्शियल यूज की यानी कमर्शियल गाड़ी रहने वाली है। ये है महिंद्रा बोलेरो पिकअप FV एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 TAC यानी दोस्तों कूल ड्राइव यानी AC के साथ जो है महिंद्रा बोलेरो पिकअप जो है आपके सामने खड़ा है विद पावर स्टेयरिंग के साथ। आज दोस्तों इसके सारे फीचर यानी सारी चीजों के बारे में जो है बात करने वाले हैं। एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ इस पिकअप ट्रक की तो 9,53,000 रुपए इस गाड़ी का यानी इस पिकअप ट्रक का एक्स शोरूम है। और वहीं बात करूँ ऑन रोड प्राइस की तो 10,66,000 रुपए नई दिल्ली में जो है यानी दिल्ली NCR में आपको ये ऑन रोड पड़ जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों एक कमर्शियल व्हीकल की जो जिससे कि काफी जो लोगों का रोजगार चलता है उस चीजों के बारे में बात करने वाले। तो क्या क्या जो फीचर्स हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक में जो है आ चुके हैं तो उसके बारे में आप बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों फ्रंट से। तो फ्रंट से देख सकते हैं कुछ तरीके की जो है ओवरऑल बोलेरो जैसी ही लुक यानी बोलेरो ही है तो फ्रंट से बोलेरो जैसी ही लुक A to Z जो है मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेडलाइट सेटअप की। तो हेडलाइट सेटअप देख सकते हैं आपको हेलोजन बल्ब बेस्ड मिलने वाली है यही लो बीम और हाई बीम के लिए काम करने वाली है। इंडिकेटर देखोगे तो आपको हेलोजन बल्ब भी बेस्ड मिलता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं ये देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर है एंड ये रिफ्लेक्टर टेप वगैरह मिल जाते हैं। फॉग लाइट वगैरह आती नहीं है तो यहाँ पे कुछ स्पेस है ठीक है। ये आपका टोइंग हो जाता है ओवरऑल कुछ ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे देखोगे तो इस पे पुराना वाला ही महिंद्रा का जो लोगो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो डिलीवरी के लिए दोस्तों रेडी हो रहा है पिकअप ट्रक तो रिबन वेबन लगा दिए गए। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तो यहाँ देख सकते हैं 15 इंच की आपको स्टील रिम मिलती है। यहाँ देख सकते हैं 700R15 तो 15 इंच की आपको स्टील रिम मिलेंगी। साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके की लुक आती है। ORVM देख सकते हैं अंदर से ही आप इसे एडजस्ट करोगे इसी तरह की एडजस्टमेंट वैसे नहीं मिलती इलेक्ट्रिकली। तो डोर हैंडल्स मैट ब्लैक में मिल जाते हैं देखने के लिए। अंदर भी चलेंगे पहले आप जो है एक्सटर्नली जो चीजें हैं उन्हें कवर कर लेते हैं कि ये पिकअप ट्रक अपने साथ जो है क्या क्या जो चीजें लेके आता है। पीछे देखोगे तो लोडिंग रैक है इसमें जो है काफी हुक्स लगे हुए हैं जिससे कि आप अपना एक्स्ट्रा इनहेंस कर सकते हो ऊपर की तरफ और रस्सी वगैरह जो है इजिली बांध सकते हो। आपको दोस्तों इस पिकअप ट्रक की रियर से लुक की तो ये इसकी रियर से लुक है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी एक रिफ्लेक्ट टेप है 3M की वो लगी हुई है। यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ मिल जाता है। दो इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी जरूर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड पीछे की जो टेल लाइट है वो देख सकते हैं यहाँ पे उस तरीके की मिल जाती है। हेलोजन बल्ब बेस्ड इसी में भी जो रिफ्लेक्टर है वो भी इसमें भी अटैच्ड है ये देख सकते हैं। ये जो है हेलोजन बल्ब भी बेस्ड मिलने वाली है। एक स्पेयर व्हील आपको नीचे ही देखने के लिए मिल जाता है। काफी बिग साइज का इसका रैक है। सस्पेंशन की बात करूँ इसमें कमानी जाती है हम जो है लीप स्प्रिंग भी बोलते हैं वो चीजें आप देख सकते हैं ये कमानी जाती है यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है। तो चलिए अब लेके चलता हूँ मैं इस गाड़ी के यानी पिकअप ट्रक के अंदर कि AC वगैरह एंड पावर स्टेयरिंग आ चुके हैं दोस्तों इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं पावर स्टेयरिंग का जो स्टीकर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों पिकअप ट्रक के अंदर और क्या जो चीजें हैं इसमें आती है। तो इंटीरियर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है इस पिकअप ट्रक के साथ आपको देखने को जाता है। कुछ इस तरीके आपको इस जो पिकअप ट्रक है इसके देखने के लिए मिल जाता है। इसमें पुराना वाला वही महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है साथ इसमें जो सेंटर लॉकिंग वगैरह वो तो देखने के लिए नहीं मिलती पर दोस्तों इसमें आपको AC के साथ साथ पावर स्टेयरिंग भी जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है पावर स्टीयरिंग का जो स्टीकर है वो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर पैनल से। यहाँ देख सकते हैं हेड ब्लैक में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। हेड ब्लैक में ही आपको जो है ये लॉक्स मिल जाते हैं और आपको जो पावर विंडो वगैरह नहीं मिलती तो मैनुअली इसे आप जो है अप डाउन करने वाले हो। तो यहाँ देखोगे तो इसकी जो हैंड ब्रेक वगैरह है वो सेंटर में ना देखे यहाँ दी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसकी जो है हैंड ब्रेक हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो इग्निशन हम थोड़ा सा ऑन कर देते हैं थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इग्निशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं ये जो है लाइट्स वगैरह के लिए एंड ये आपके AC वेंट हो गए ठीक है। ये आपके जो है लाइट्स के कंट्रोल हो जाते हैं एंड ये आपके जो है वाइपर्स के कंट्रोल हो जाते हैं। इस गाड़ी में दोस्तों एयरबैग्स वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलते सेफ्टी वाइज। ये पिकअप ट्रक है इसमें एयरबैग्स वगैरह नहीं मिलते। मीटर कंसोल की बात करूँ कुछ इस तरीके का जो मीटर कंसोल हो जाता है इसमें आपको जो है सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ये पर्टिकुलर दोस्तों CNG में नहीं है ये है डीजल में। तो सारी चीजें देख सकते हैं इस तरीके से जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पे आपको हजार्ड के लिए बटन मिल जाता है एंड AC वेंट वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे दिखे और AC के साथ आता है। तो दोस्तों AC देख सकते हैं ऑन है ऑन कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मली मैनुअली AC मिल जाता है। ये हो गया आपका दोस्तों 5-speed मैनुअल गियर नोब। तो गियर देख सकते हैं काफी बिग साइज का जैसे कि पहले महिंद्रा की यानी पहले से ही महिंद्रा की जो गाड़ियों की एक पहचान रहा है वो आपके सामने है। 3 लोग जो है इसमें इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर और 2 लोग आप यहाँ पे बैठ सकते हैं यानी 2 लोगों की जो सीट्स वो यहाँ पे दी गई है। 2 हेडरेस्ट हैं अंदर कैबिन में दोनों के दोनों एडजस्टेबल है इन्हें आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और ये इसकी जो है लाइट्स हो गई और ये आप IRVM हो जाता है इधर साइड से मैं आपको दिखाता हूँ एंड यहाँ देखोगे दोस्तों तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है ये ग्लॉसी जो ब्राउनिश जो टाइप मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है वो काफ़ी प्रीमियम वो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट जरूर देखने की मिल जाती है जिससे कि अपना कुछ भी आप इक्विपमेंट वगैरह उसे चार्ज वगैरह ईजिली कर सकते हो। एंड यहाँ देखोगे तो ग्लव बॉक्स है उसमें काफ़ी स्पेस है इसमें आप कुछ भी अपना ईजीली सामान वगैरह रख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अब बारी आती है दोस्तों इस पिकअप ट्रक के इंजन की कि इंजन अपने साथ जो है किस तरीके का लेकर आता है। चलो पावर स्टेयरिंग एंड जो AC वगैरह तो इसमें आ गया अब इंजन की बात करते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों यहाँ पे जैसे पहले ही मेंशन कर रखा महिंद्रा ने
1.3T, तो 1.3 यानी कि 1300cc इनलाइन फोर सिलेंडर डीजल इंजन है। मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो 75 bhp ये जो डीजल इंजन है निकाल के दे देता है। और वहीं बात करूं टॉर्क की तो 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ इसमें आपको टॉर्क देखने मिल जाती है, तो काफी पावरफुल इंजन है। एंड दोस्तों पिकअप ट्रक है, तो आपने देखा ही है काफी वीडियो जो वायरल होती है इन महिंद्रा बुलेरो पिकअप ट्रक्स की, तो काफी वेट है ये उठा के चल देते हैं। ये था महिंद्रा बुलेरो पिकअप ट्रक FB एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3T AC के साथ, तो पावर स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें साथ आती हैं। तो आई होप दोस्तों ये कमर्शियल व्हीकल आपको जो है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।